मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत ही बेहतरीन टीम जुड़ी हुई है इस फिल्म के साथ. बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स सारे बहुत अच्छी राइटर हैं. कनिका बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, मेरी प्रोड्यूसर एकता कपूर. एंड लुक्स लाइक अ रियली नाइस एंड एक्साइटिंग न्यू समथिंग न्यू इन द ट्रेलर. तो मैं बिल्कुल बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए. आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी. मतलब मुझे लगता है दोनों कंगना और राज कुमार दोनों बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. तो आई थिंक कि इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स दोनों साथ में जब आए स्क्रीन पे तो बहुत ही अच्छी फिल्म होगी. ऑडियंस का ही विन विन सिचुएशन है ऑडियंस के लिए. सो हाँ, और दो तीन ऐड कर दो इस क्वेश्चन में, दो तीन और सब पार्ट्स ऐड कर दो. बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी और सराहनीय चीज़ है कि जो हमारे देश में जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और इफ़ेक्टेड हैं उससे. मॉब लिंचिंग के बारे में मैंने, मतलब मैं पिछले 3-4 साल से इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने 1-2 साल पहले मानव सुरक्षा कानून की मांग भी करी थी, एक लॉ बने मॉब लिंचिंग के खिलाफ. दुख की बात है कि इन 3 सालों में जो स्थिति है वो बेहतर होने के बजाय और बुरी हुई है. तो आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल है और अच्छी बात है, सराहनीय है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं और जो राइटर्स हैं, प्लेराइट्स हैं और आर्टिस्ट हैं जो आए हैं साथ में और जिन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है, वो एक अच्छी बात है. और हमें, मुझे आई होप कि जो सरकार है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चिट्ठी की तरफ ध्यान दें. देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ज़रूरी है कि प्रशासन मॉब लिंचिंग, जो कि हमारे समाज में आज की डेट में एक एपिडेमिक बन गया है, मुझे नहीं लगता कि हम इससे अपना मुंह मोड़ सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है कि हम इस चीज़ को झुटलाने की कोशिश करें कि नहीं, ये नहीं हो रहा है. ये हो रहा है, ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारे बीच में हो रहा है और ये हम सब पर है. सो आई थिंक दैट बहुत ज़रूरी है कि हर राज्य की प्रशासन और हर शहर जहाँ ऐसी ये जो घिनौनी चीज़ हो रही है उस शहर की प्रशासन और अकाउंटेबल रहे. और जो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हमारे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं हमारे देश के, एंड बिल्कुल आई होप कि वो इस मुद्दे पे और ध्यान देंगे. हाँ, मुझे भूलने मत देना वो. सो वॉट अगर उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हों भी. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होना कोई बुरी बात नहीं है. हम एक लोकतंत्र हैं और यहाँ लोकतंत्र में हर किस्म की विचारधारा होती है, हर किस्म की राजनीतिक इंक्लिनेशन होती है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है. मॉब लिंचिंग गलत है, उसके खिलाफ अगर लोग आवाज़ उठा रहे हो, चाहे जो भी उसके पीछे उनकी विचारधारा हो, इंक्लिनेशन हो, मेरे हिसाब से अच्छी बात है. जो चीज़ गलत है वो गलत है, उस पर हमें और ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एक्चुअली होल हार्टेडली 100% सपोर्ट दी ऑल दी आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स एंड पीपल हु हैव कम एंड रिटन दिस लेटर. वेल, मेरी 2 वेब सीरीज आ रही हैं इस साल, जो कि एक का नाम है रस भरी, दूसरी का नाम है फ्लैश. और नवंबर से मेरी फिल्म भी जा रही है फ्लोर्स पे. मैं एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी, इसलिए इतनी नहीं दिखती आपको, मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ. पॉलिटिक्स में हम कब आपको एक्टिंग देख पाएंगे? क्यों, मतलब स्क्रीन पे बुरी लग रही हूँ आपको मैं? नहीं, एक काम ठीक से कर पाऊँ वही काफ़ी है. तो जब मैं अपनी यहाँ दुकान बंद करूँगी उसके बाद ही आप मुझे कहीं और देख पाएंगे. फिलहाल ऐसी कोई भी मंशा नहीं है मेरी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग जल्दी मुझे निकालना चाहते हैं. थैंक यू. अरे बाप रे,
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।